चुरा के तोड़ते हो कि ऐसे ही तोड़ते हो? चुराते हो। तो चुरिया एंड मुरिया, नेपाल में क्या कहते हैं उसे? द शिवालिक रेंज इन द नेपाल इट इज नोन एज विच हिल्स? चुरिया एंड मुरिया। अंडरस्टूड? विच हिल्स आई सेड दैट शिवालिक रेंज इज नोन एज चुरिया एंड मुरिया। कंप्लीटली ओके इन योर माइंड? सो आई सेड दैट काराकोरम, लद्दाख, जैस्कर, लद्दाख कंटिन्यूएशन इन तिब्बत, कैलाश, ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस, शिवालिक, मिडिल हिमालयस, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा एंड मसूरी, महाभारता रेंज, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा एंड मसूरी एंड महाभारता रेंज, एंड देन शिवालिक रेंज, जम्मू हिल्स, डुंडवा, ढांग, देन चुरिया एंड मुरिया। अंडरस्टूड इट? देयर आफ्टर नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, देयर मर्ज फॉर्म इज डाफला, मीरी, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी। विच वन आई सेड दैट? डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी। विच आर आई सेड? डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी। इज इट ओके? यस। एक लड़का था, ही इज नॉट इंटेलिजेंट एनफ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। जब क्लियर नहीं हुआ, बहुत दिन तक तैयारी करते रहते, मदर फादर हेल्प हिम टू गेट मैरिड, क्योंकि ऐसी शादी नहीं होती, सहायता किया उन्होंने, हेल्प, क्योंकि अब जब जॉबलेस रहोगे तो शादी कहाँ होती है, घर जमाए नहीं, हेल्प किया टू ओपन सम बिजनेसेस, खोल लो, फिर थोड़ा यू स्टार्टेड अर्निंग देन। आई सेड दैट, हमने क्या बोला? डाफला, मीरी। तो एक डफर लड़का था, उसका नाम था मीरी, डाफला, मीरी, डाफला, मीरी, डफर लड़का था, उसका नाम क्या था? उसको भोर में उठाती थी उसकी मिस, अबोर मिशमी, अबोर, और जब वो काम नहीं करता था तो पटक के मारते थे, पटकाई, डाफला, मीरी, अबोर, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, एंड दिस इज, एंड मैं पटकाई में बोल नहीं रहा हूं, ध्यान में रखिएगा, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयस। ये इधर से इधर मुड़ गया, क्योंकि आपको इफ यू अंडरस्टैंड दैट इंडियन गोंडवाना प्लेट ऐसे मूव कर रहा है, दिस इज एन इंडियन गोंडवाना कॉन्टिनेंटल प्लेट, दिस इज एन इंडियन गोंडवाना ओशियानिक प्लेट, एंड इट इज ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये एक प्रकार का प्लेट है, ये मूव कर रहा है ऐसे, और यहां पर क्या हो गया, तो ज्यादा फोर्स हुआ तो यहां ज्यादा उठा, और ये कंपेरेटिवली कम फोर्स ऐसे मूव कर रहे हैं, सो देयर इज ऑल्सो फॉर्मेशन, और ये एंड देन फर्दर फॉर्मेशन, और यहां पे वोल्केनिक आइलैंड बना, ये इंडोनेशिया, और ये सब इसी की वजह से बने। और ये जब आप मेंस की क्लास करते हैं तो ओशियानिक, ओशियानिक कन्वर्जेंस से दीज आर वोल्केनिक आइलैंड आर्क, अंडमान निकोबार से ये सारा, और इसी का कंटिन्यूएशन यहाँ पे अराकान योमा, पेगू योमा, एंड आई सेड दैट साउथ ईस्ट एशिया में, म्यांमार में, और यहाँ पे अदर माउंटेन्स आर देयर, दीज माउंटेन्स आर गेटिंग कंपेरेटिवली लेस फोर्स। अंडरस्टूड? एंड तो आफ्टर दिस ऑल माउंटेन रेंजेस, ये सारे जो है, इट इज नोन एज पूर्वांचल हिल्स, इट इज नोन एज व्हाट? विच हिल्स? पूर्वांचल हिल्स। अंडरस्टूड इट? तो हम लोग देखने जा रहे हैं, इट इज एन छोटा सा गारो का एक छोटा सा पार्ट है, तूरा, विच इट इज द पार्ट, जनरली सब लोग याद रखते हैं गारो खासी जयंती, एक ऐसा चीज है सभी को याद रहता है, दिस माउंटेन रेंज एकदम ऑर्डर में याद रहता है, क्योंकि कहीं भी लिखा रहता है तो गारो डैश खासी डैश, तो बच्चे एक ही साथ पढ़ने की आदत बना लेते हैं, गारो खासी जयंती है, सो तूरा है, एंड इसके बाद दिस इज गारो, दिस इज खासी, दिस इज जयंतिया, तूरा गारो, तूरा गारो खासी जयंतिया। अंडरस्टूड इट? तूरा गारो खासी
जयंती है। ये कहां पर है? इट इज इन द मेघालय शिलोंग प्लेटू में। अंडरस्टूड? एंड देयर आई सेड दैट सदर्न एक्सटेंडेड पार्ट में हम लोग देखेंगे कचार। ये कचार डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर आपने देखा था बराक रिवर एंड नेशनल वाटरवे 6 सिल्चर। देर इज इन अ कचार हिल्स। विच हिल्स इज देर? कचार बैरल मिके। मेरी नहीं, दैट इज कचार बैरल। कचार बैरल मिके इन असम। विच आर द रेंजेज आई सेड दैट? कचार बैरल एंड देन मिके। अंडरस्टूड? कचार हिल्स, बैरल हिल्स एंड देन विच आई सेड दैट? मिके। अंडरस्टूड? तो हमने क्या बोला, जनरली लोग आप फॉरनर्स को देखते हैं, उनको प्रचार करना होता है तो वो कच्छे पे आ जाते हैं। तो यहां पर गन का प्रचार करना था, किसका? तो कच्छे में क्या रख लिया? बैरल। मतलब देखो, बैरल कहीं से भी चल सकता है, कच्छे में क्या रख लिया? कचार बैरल। और किसने रखा? मिकिर नाम का लड़का। कचार बैरल मिकिर, कचार बैरल मिकिर। कैन यू रिमेंबर? कचार बैरल। सो विच आर द माउंटेन रेंजेस वी हैव सीन? तूरा, गारो, खासी, जैंतिया, कचार बैरल। और मिकिर का कंटिन्यूएशन इन द नागालैंड इज नॉन एज रेंगमा। इसी का कंटिन्यूएशन, मिकिर कंटिन्यूएशन एंड इट इज नॉन एज रेंगमा इन नागालैंड। इट इज नॉन एज व्हाट हिल्स? नागालैंड में इसी रेंज को क्या बोलते हैं? यस टेल मी। रेंगमा। अंडरस्टूड? यहां पे आप देखेंगे देर इज एन सेवरल, व्हाट इज एन ट्राइब्स आर देयर? सेमांग, अंगामी, जेलियांग, रेंगमा, दीज आर द ट्राइब्स इन दिस रीजन। सो आई सेड दैट रेंगमा। कंप्लीटली ओके इन योर माइंड? समझ में आ चुका है? सो विच आर द रेंजेस वी हैव सीन? हिमालयाज एंड देन आई सेड दैट पूर्वांचल हिल्स। एंड पूर्वांचल हिल्स में थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं, और पटकाई उधर आपने देखा था, दिस इज नागा, दिस इज व्हाट? मणिपुर एंड दिस इज मिजोलुशाई। नागा हिल्स, मणिपुर एंड दिस इज मिजोलुशाई। और ये पटकाई, दिस इज व्हाट आई सेड दैट पटकाई। सो पटकाई नागा, नागालैंड में नागा, मणिपुर में मणिपुर हिल्स एंड मिजोरम हैज मिजोलुशाई हिल्स। विच हिल्स? मिजोलुशाई हिल्स। एंड यहीं पर लुशाई हिल्स पर ही एक, यहाँ पे जो माउंटेन है थोड़ा सा वहां की ग्रीनरी, वहां पे जैसा ब्यूटीफुल नेचर दिखता है, इट इज लुकिंग लाइक ब्लू एंड इट इज नॉन एज ब्लू माउंटेन। इट इज ऑल्सो नॉन एज ब्लू माउंटेन। मिजोलुशाई को क्या कहा जाता है? और इट इज नॉन एज ब्लू माउंटेन। ऑस्ट्रेलिया में आप यह देखेंगे तो वहां पर भी एक ब्लू क्या है, ब्लू माउंटेन। वहां पर क्या है? ऑस्ट्रेलियन अल्प्स, ब्लू माउंटेन एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यदि आपने मेरे से ऑस्ट्रेलिया किया होगा तो आप वहां पे आपको याद होगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हैज बीन डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ए बी एंड डी। ए फॉर ऑस्ट्रेलियन अल्प्स, देन नीचे से बी फॉर ब्लू माउंटेन एंड देन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ब्लू माउंटेन्स पे ही कॉसियस्को इज द हाइएस्ट पीक। सो मिजोलुशाई इज नोन एज व्हाट? मिजोलुशाई इज ऑल्सो नोन एज ब्लू माउंटेन। कंप्लीटली ओके। सो विच आर द माउंटेन रेंजेस वी हैव सीन टिल नाउ? फर्स्ट आई सेड काराकोरम लद्दाख, काराकोरम लद्दाख जैस्कर। लद्दाख कंटिन्यूएशन कैलाश रेंज। ग्रेटर हिमालयाज नंगा पर्वत टू नामचा पर्वत। मिडिल हिमालयाज आई सेड दैट पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा एंड मसूरी एंड देन महाभारता रेंज। शिवालिक रेंज जम्मू हिल्स, डुंडुआ, ढांग, चूरिया मुरिया। अंडरस्टूड? एंड देन आई सेड दैट डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, यहां तक हिमालय फिनिश। पटकाई, पटकाई नागा, मणिपुर, मिजोलुशाई एंड देन पटकाई से सारे क्या है? पूर्वांचल हिल्स। एंड देन तूरा, गारो, खासी, जैंतिया, कचार,
पैरल मिकिर, कौन बंदा? मिकिर बंदा, अंडरस्टूड? एंड मिकिर कंटिन्यूएशन इज नोन एज नागालैंड रेंगमा, यस क्लियर है? मिकिर, यदि मैं कीड़ा बन जाऊं, मी कीड़ा, मैं क्या बन गया, तो मैं क्या करूंगा? रेंगूंगा। मिकिर हिल्स आ रेंगमा, अंडरस्टूड? सो it is an Aravali range, it is an oldest mountain of India and it is known as relict mountain. ye kaun sa mountain kaha jata hai? and relict means very old mountain, and should it is in a very old pre-cambrian time. iska matlab pehle main bata dun, ye pehle 1800 million years ago it has been formed like Himalayas, fir ye ban gaya, uske baad upliftment stopped, no compression force, so upliftment will stop. उसके बाद इट हैज बीन इरोडेड एंड इट बिकम लाइक दिस। अगेन यहाँ पर एक और ओरोजन ही हुआ, अगेन इट हैज बीन ग्रोन अप एंड इट इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस। और आज के डेट में अरावली इज लाइक दिस। अरावली स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली टू व्हाट? सम पार्ट्स इन गुजरात, अंडरस्टूड? अरावली स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात। दिल्ली से कौन कौन से स्टेट क्रॉस करता है? हरियाणा, राजस्थान एंड लिटिल बिट इन गुजरात, अंडरस्टूड? इट इज इन अ रेलिक्ट माउंटेन, अंडरस्टूड? तो आप लोग जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी देखा, हैव यू सीन दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU एंड ऑल? सो दिस इज ऑन द अरावली रिज। और ये भी जाओगे, हैव यू सीन अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी? सुना है, गए हो, देखे हो, वहीं पे मजनू का टीला, उसको रिज ही बोलते हैं, वहां से स्टार्ट हुआ है। इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम, उसके बाद ये समुद्र के अंदर डूब गया है, मतलब समुद्र था यहाँ पे डूबा हुआ और ये यहां से यहां तक छुपा हुआ अंदर गया हुआ है। कहां तक? उत्तरकाशी, हरिद्वार होते हुए दिल्ली हरिद्वार टू उत्तरकाशी, और उसकी वजह से अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आता है। क्योंकि यदि मैं एक अलग से ऐसे निकला हुआ और मैं ऐसे चल रहा हूं तो ये पोर्शन क्या होगा? बहुत झटका खाएगा। तो ये अंदर छुपा हुआ गया हुआ। सो आई सेड दैट हाउ मेनी स्टेट्स इट इज क्रॉसिंग अरावली? थ्री स्टेट्स, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। और कई बच्चे दिल्ली भी